आगे मेरा स्टेशन है, मेरे को स्टेशन पे जाना है। आप 3 राउंड में 3 घंटे 4 घंटे ट्रेवल कर सकते हो आराम से। ये शॉर्ट ट्रेन है यहाँ की, तो मैं यहाँ का एक्सप्लोर करूँगा एंड लेट मी गो देयर। ये मेरी स्टेशन है सामने, ये देखो ट्रेन ये आ चुकी है, लेडीज चला रही है, लेडीज जेंट्स दोनों चलाते हैं। एंड आई विल शो यू गाइस हाउ कैन आई यूज टिकट इनसाइड इफ आई डोंट हैव टिकट, सो आई कैन यूज माय कार्ड। सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द ट्राम। जो है ये बस का है, ये बस का होता है जो लेडीज बैठी है। देखो मैंने ये कार्ड लगाया यहाँ पे, ऐसे कार्ड यहाँ पे कार्ड लगाते हैं। एंड ये देखो नीचे ये निकल के आ गई है, इससे अब मैं 5 घंटे ट्रैवल कर सकता हूँ। ये जो सिटी है बहुत प्यारी है, पीछे का देख लो। डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ, बाय बाय करता हूँ इसको और आगे चलता हूँ जहाँ मेरे को मतलब मेरे दोस्त आए हुए हैं, मेरे को जाना है उस जगह। हाँ जी गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज दिन है संडे और सुबह के बजने वाले हैं 10, और अभी जो मैं हूँ रोमानिया की क्रायो सिटी में हूँ। एंड आज जो है मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कि यहाँ की ट्रेन जो ट्राम होती है वो कैसी है, क्योंकि अभी मेरे को बाहर जाना है, दोस्त से मिलने जाना है। तो मैंने सोचा एक पूरा ब्लॉग इसके ऊपर बनाता हूँ और दिखाऊंगा वहाँ पर आपको कैसे पे करना होता है, कहाँ से टिकट मिलता है, ऑनलाइन पे कर सकते हो, और कैसी यहाँ की ट्रेन्स होती हैं, जो शॉर्ट ट्रेन और ट्राम भी बोलते हैं, ट्राम भी बोलते हैं अपने कॉमन भाषा में, शॉर्ट ट्रेन भी बोलते हैं। तो आज मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और चलते हैं। अभी मैं रूम से निकल के बाहर, मेरा थोड़ी दूर पे स्टेशन है, स्टेशन पे जाके मैं वहाँ दिखाऊंगा। ये मैं निकल चुका हूँ, मैंने लॉक कर दिया डोर। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक हल्की हल्की धूप निकली है, मौसम भी प्यारा है, तो चलते हैं अगले। ये है आज का सन निकला हुआ है हल्का हल्का। एंड ये जो एरिया है मेरी रूम है, ये सारा कुछ यहाँ पे रूम है। एंड अभी मेरे को आगे मेरा स्टेशन है, मेरे को स्टेशन पे जाना है, वहाँ से ट्राम लेनी है, जो मैंने ट्रेन बताया शॉर्ट ट्रेन। एंड वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है मेरी जो ट्रेन्स वगैरह और कितनी दूर जाना है मेरे को। मेरे को आई थिंक 5 या 6 किलोमीटर जाना है। वैसे यहाँ पे ठंड तो अभी जो है कॉमन है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। मैंने वैसे अभी जल्दी रिसेंटली वीडियो बनाई टेम्परेचर के ऊपर कि कैसा यहाँ का टेम्परेचर है, बट इतनी आज काफ़ी नहीं है, संडे है, धूप निकली है अच्छे से। तो मैंने कहा आज एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ की बहुत ही प्यारी ट्रेन्स होती हैं, और 3 ले यहाँ की जो करेंसी होती है, 3 राउंड लगता है पे करने के लिए। आप 3 राउंड में 3 घंटे 4 घंटे ट्रैवल कर सकते हो आराम से। एंड ये जो है अभी मैं क्रायोवा सिटी में हूँ रोमानिया की, तो चलते हैं आगे दिखाता हूँ। ये सिटी जो है वर्कर के काम करने के लिए बहुत ही अच्छी है, सबसे अच्छी जो सिटी रोमानिया की मानते हैं यही है क्रायोवा। यहाँ पर बहुत शांति है, सब लोग आराम से रहते हैं और सब वो मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रहती है कहीं भी आप इजीली, क्राउडेड नहीं है। मेन सबसे अच्छा क्या है, क्राउडेड नहीं है ये एरिया, तो आप कहीं भी आराम से जा सकते हो, आ सकते हो। और बुकारेस्ट जो है कैपिटल रोमानिया की, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उधर लोग नहीं जाते हैं, तो मतलब उधर बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना, बहुत ज़्यादा शोर रहता है। बुकारेस्ट जो है बहुत ज़्यादा उधर शोर रहता है, वो डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। और क्रायोवा ये जो है बहुत बहुत बेस्ट है, तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो अभी जो है बस मेरी सामने, मैं जूम करके दिखा रहा, ये जो है मेरी स्टेशन है, यहाँ पे मेरे को ट्राम मिलेगी। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ, अभी मेरा जो है रेड लाइट है, रेड लाइट का मैं बस वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर जैसे मैं अभी क्रॉसिंग ऐसे कर दूँ नॉर्मली, तो जैसे रेड लाइट है और मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ, तो फ़ैन बहुत तगड़ा फ़ैन पड़ता है, आपको पता भी ना चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे होते हैं, ये सब कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो इससे आप अगर कुछ करते हो तो आपको जब रूम पे या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपको ईमेल वगैरह सारा डिटेल निकाल लेते हैं वो लोग, नहीं पता कैसे ऑटोमेटिक, तो आपको SMS आएगा कि आपका इतने रुपए का चालान कटा है एंड आपको पे करना होगा। बाय द वे गाइस, अभी मैं बस ट्राम का वेट कर रहा हूँ, मेरी ट्राम जो है उधर से आएगी। ये देखो ये यहाँ के ये लोकल बंदे हैं, ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, इनके लिए मतलब इतना हार्ड रूल्स नहीं है, बट जो होता है, बट ये लोग ना पता क्यों
ऐसे अनफॉलो कर रहे हैं रूल्स को, रूल्स सबके लिए होते हैं यू नो, तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या बात है, जैसे ट्रेन होती हैं बसेस होती हैं उसमें आप ना पे कर सकते हो, ये ग्रीन लाइट होगी मैं चल सकता हूँ, कार्ड से पे कर सकते हो। हाँ मैं बात कर रहा था गाइस, जैसे यहाँ पे ट्रेन या बस वगैरह होती है उनको आप पे कर सकते हो आराम से कार्ड से, कोई जैसे अगर टिकट होता है ऐसे घर बना होता है, अगर घर नहीं है तो आप पे कर सकते हो। ये ऐसी ऐसी ट्राम होती है, ये शॉर्ट ट्रेन है यहाँ की, तो मैं यहाँ का एक्सप्लोर करूँगा एंड लेट मी गो देयर। ये मेरी स्टेशन है सामने, यहाँ पर मैं आई थिंक तो यहाँ पे वेट करूँगा, हर 5 मिनट में 6 मिनट में जो है आती है, एंड मैं अभी वहाँ पे जाके दिखा दे रहा। ये जो है यहाँ पर ये ऐसी होती है, यहाँ पे क्या होता है आपको पता लगता रहता है कि यहाँ पर जो है कौन सी ट्रेन कितने टाइम में आ रही है, सारा कुछ लिखा होता है। एंड अभी जो है 5 मिनट में ये जो जा रही है, ऐसी ट्रेन्स होती हैं शॉर्ट ट्रेन, ट्राम बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ एंड आई विल शो यू गाइज हाउ कैन आई यूज़ टिकट इनसाइड इफ़ आई डोंट हैव टिकट, सो आई कैन यूज़ माय कार्ड। सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द ट्राम। मौसम बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो धूप निकली है एकदम, यहाँ पर आराम से बैठने की व्यवस्था अच्छी होती है, और बहुत स्टॉप होते हैं, ज़्यादा दूर दूर पे नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टॉप होते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मतलब कहीं से भी निकल के आप आराम से। ये सिटी जो है बहुत ही अच्छी है, आई मीन कहीं से आप निकल के जैसे सिटी में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैं दिखा दूँगा आज, ये जो है ये बस का है, ये बस का होता है जो लेडीज़ बैठी है, ये जो है ये बस का ऐसा, यहाँ पे पार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पार्किंग का भी सबसे अच्छा देखो मैंने दिखाया, पार्किंग का सबसे अच्छा क्या होता है, अलग अलग रखा है ना, अलग साइड बना होता है, और जो टहलने का होता है वो भी, ये देखो यहाँ पे ये पार्किंग का है रोड के साइड से, और दूसरी जो साइड है वो जैसे वो लड़का निकल के जा रहा है इलेक्ट्रिक बाइक से, तो वो होता है पैदल चलने वालों के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रूल्स हैं, ऐसे नहीं जैसे और कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी, कहीं भी पार्किंग कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता है, रूल्स होते हैं सबके लिए, सब फॉलो करते हैं। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का, जैसे ही आती है चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना मेरे को जी। हमारी ट्रेन ये जो है ट्रेन आ चुकी है, रेड लाइट है एंड वी आर वेटिंग, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, रेड लाइट हो गई। ये देखो ट्रेन ये आ चुकी है, लेडीज़ चला रही है, लेडीज जेंट्स दोनों चलाते हैं, और आज ये ट्रेन आ चुकी है एंड नाउ आई एम गोना इंटर। मेरे पास कार्ड नहीं है तो मतलब टिकट नहीं है तो मैं यूज करूँगा। ये है देखो मैंने ये कार्ड लगाया यहाँ पे, ऐसे कार्ड यहाँ पे कार्ड लगाते हैं, एंड ये देखो नीचे ये निकल के आ गई, ये टिकट मिल गई, इससे अब मैं 5 घंटे ट्रैवल कर सकता हूँ। बाहर का मौसम से बहुत अच्छा है, और मैंने बताया था ये जो सिटी है बहुत प्यारी है, पीछे का देख लो, बस मेरे को लगभग आई थिंक ये 20 मिनट में पहुंचा देगी, 5 किलोमीटर इतनी फास्ट नहीं चलती क्योंकि इसके स्टॉप्स रहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टॉप रहते हैं तो इतनी जल्दी नहीं, ये स्पीड पकड़ ली इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब इसका जो है नेक्स्ट स्टॉप है बहुत दूर पे है तो इसने स्पीड पकड़ ली। जहाँ इस बनाए ब्रिज है, इसको ब्रिज बोलते हैं ऊपर का, बहुत ही प्यारी सिटी है। अभी आई थिंक मेरे को टाइम लगेगा मे बी 10 मिनट और लग रहा है, मैं मतलब कंटिन्यू नहीं रखूंगा वीडियो को, बहुत लॉन्ग हो जाएगा मेरे को, और आवाज़ भी साउंड ये बहुत ज़्यादा करती जा रही, तो आई थिंक 10 मिनट और मैक्सिमम लग रहा है मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे, मैंने दिखाया बहुत अच्छे से सीट रहती है, भीड़ नहीं रहता है, क्राउडेड नहीं रहता, पे करने का सबसे अच्छा तरीका बहुत अच्छे से आप यहाँ कार्ड टिकट ले सकते हो कहीं भी, अगर टिकट नहीं ले रहे हो आप
तो कार्ड से पे कर सकते हो। बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है यहाँ पे, आवाज़ आती है, सामने स्क्रीन भी होती है, मतलब यहाँ पे अनाउंस करते हैं अगला स्टेशन कौन सा है एंड स्क्रीन भी होती है, स्क्रीन पे भी दिखाते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है। डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ, बाय बाय करता हूँ इसको और आगे चलता हूँ जहाँ मेरे को, मतलब मेरे दोस्त आए हुए हैं, मेरे को जाना है उस जगह पे। ये काफ़ी प्यारी सिटी है, उधर मेरे को जाना है, ये बहुत ही अच्छा, उधर बहुत बड़े मॉल वगैरह सारा कुछ है, तो उधर मेरे को, मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ एंड आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगा। और गाइज मैं ज़्यादा वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखूँगा क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कैसी लगी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।